नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई क्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जरेंगा पोथार के बारे में। ये जगह स्थित है असम के शिवसागर में और यहां पर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली करी थी। अब इस रैली के कारण ये जगह थोड़ी सी ऐतिहासिक है तो न्यूज में आ गई है और हमारा काम यह है कि जो भी टॉपिक एग्जाम वर्दी है हम आपको पढ़ाएं उसको, और इतिहास से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए 2021 में। तो जरेंगा पोथार का इतिहास क्या है, अहोम डायनेस्टी से यहाँ का क्या लिंक है और यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप सभी लेक्चर्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 23 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत जगह रैलीज करी, उनमें से कोलकाता में भी कुछ रैलीज थी और असम के शिवसागर में भी एक प्रोग्राम था जहां पर इन्होंने 1,00,000 से भी ज्यादा पट्टा अलॉट किए, यानी लैंड अलॉटमेंट किया गया, उसका एक प्रोग्राम था असम गवर्नमेंट का। तो इसी के उपलक्ष्य में एक रैली का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, कहां पर, जरेंगा पोथार में। अब जरेंगा पोथार इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ज नहीं बोलते, जरेंगा नहीं होता, हो सकता है मुझसे कभी ज निकल जाए लेक्चर में तो मैं अभी से असम के लोगों से एडवांस में माफी चाहता हूं, आदत नहीं है बोलने की, लेकिन मैंने कंफर्म किया था अपने कुछ असमीज फ्रेंड्स से, इट इज प्रोनाउंस्ड एज जरेंगा पोथार। तो ये पट्टा वितरण कार्यक्रम तो देखो पॉलिटिक्स की नज़र से इंपॉर्टेंट है, असम में चुनाव भी आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, आई थिंक अप्रैल या मई में डेट्स आ जाएंगी, चुनाव आयोग घोषित कर देगा। लेकिन अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इस जगह की इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो जरेंगा पोथार शिवसागर या शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है असम में और यहां पर लेजेंडरी हिस्टोरिकल फिगर जॉयमती ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी फॉर हर हस्बैंड। 17 सेंचुरी की बात है तो इसको हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको लोकेशन मैं समझा देता हूं। उत्तर पूर्व भारत में अगर हम असम पर जूम इन करें तो ये आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र की फर्टाइल वैली में स्थित असम, ये वाला पूरा असम का प्लेन्स एरिया है और इसमें भी जो अपर असम है, यानी कि अपर असम वो एरिया हो गया जो ब्रह्मपुत्र नदी का अपर बेसिन है, वहां पर अहोम किंगडम का कोर एरिया था, यानी कि अहोम किंगडम की शुरुआत इसी एरिया से हुई थी, इसीलिए यहां पर बहुत सारे आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आज भी देखने को मिलेंगे। और अहोम किंगडम का कैपिटल चेंज हुआ था, उनमें से एक कैपिटल जो था वो शिवसागर भी था, तो शिवसागर को पहले कहा जाता था रंगसागर तो बाद में इसका नाम शिवसागर हो गया। तो आज का जो शिवसागर टाउन है वो आप यहां देख सकते हैं, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। शिवसागर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, ये बात याद रखना, ब्रह्मपुत्र थोड़ी सी दूर है, एक छोटी सी नदी बहती है शिवसागर शहर के बीच में से, इसका नाम है दिखाओ। तो ये वाली जो नदी बह रही है यहां पर, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द दिखाओ रिवर और ये अल्टीमेटली जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब शिवसागर टाउन से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह एक खाली मैदान स्थित है और इसी मैदान को कहा जाता है जरेंगा पोथार, क्योंकि यहां पर वो हिस्टोरिकल सैक्रिफाइस हुआ था। और ये एरिया के आसपास बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल तालाब हैं जो अहोम राजाओं ने बनाए थे। तो ये जितने भी स्क्वायर टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब वो हिस्टोरिकल टैंक्स या लेक्स हैं जो असम के राजाओं ने बनाए, और यहां पर तलातल घर जो कि वहां का पैलेस है वो भी देखने को मिल सकता है। PDF डाउनलोड करने वालों की सहूलियत के लिए यहां पर शिवसागर और जरेंगा पोथार की लोकेशन मैप्ड है, तो आप आराम से PDF में भी इसको देख सकें। अब स्टडी IQ UPSC की प्रिपरेशन के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है, इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर IAS एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसमें कई फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस कोर्स को स्मार्ट बनाते हैं। इसमें केवल रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ही नहीं है बल्कि आपको बहुत इंटरैक्टिव फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप कंप्यूटर या PC पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो studyIQ.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में इस कोर्स पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है, आपको कोड यूज करना है Republic10 और इस पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम आते हैं इस वेन्यू, यानी कि जो मोदी जी की रैली थी उसके वेन्यू की सिग्निफिकेंस के बारे में। तो शिवसागर, जिसको पहले रंगपुर कहा जाता था, ये अहोम डायनेस्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। अहोम डायनेस्टी 1228 से 1826 तक, ऑलमोस्ट 600 साल तक असम पर राज कर रही थी। इट वॉज अ वेरी पावरफुल डायनेस्टी, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले डायनेस्टीज में से ये एक है, और इनका कैपिटल काफी समय तक शिवसागर भी रहा था। और जरेंगा पोथार में एक अहोम डायनेस्टी की प्रिंसेस जॉयमती ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तो होता यह है कि 17th सेंचुरी में, टू बी स्पेसिफिक 1671 से 1681 के बीच में, अगर आपको याद हो 1671 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ सरायघाट, इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है तो आप प्लीज उसे भी देख सकते हैं अगर आपको इस बैटल के बारे में जानकारी चाहिए। इस लड़ाई में मुगल एम्पायर को शिकस्त दी थी अहोम्स ने, लेकिन इस लड़ाई के बाद अहोम राजा की मृत्यु हो जाती है और जो 10 साल का ये टाइम पीरियड था उस समय मंत्री बहुत पावरफुल हो जाते हैं, मिनिस्टीरियल सुपीरियरिटी आ जाती है, तो जितने भी बड़े बड़े नोबल्स या प्राइम मिनिस्टर थे वो राजा से ज्यादा पावरफुल हो गए, राजा केवल एक पपेट बनकर रह गया था।
तो अहोम किंगडम जो ऑलमोस्ट पूरी ब्रह्मपुत्र वैली को, आज का जो असम एरिया है, उसको कवर करता था, ये उसका मैप है। तो यहां पर अब कौन पावरफुल हो गए थे 1671 के बाद? नोबल्स और प्राइम मिनिस्टर। राजा इतना प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट नहीं रहा था। तो इस समय राजा बनाया गया एक 14 साल के बालक को, जिनका नाम था सुलिक्फा। इनको लोरा राजा भी कहते थे, लोरा यानी कि एक छोटा बच्चा, तो इनका नाम बॉय प्रिंस था क्योंकि ये 14 साल के थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन था? ललुकसाला बोरफुकन। तो ललुकसाला बोरफुकन वॉज द मेन पावरफुल पर्सनैलिटी, तो इन्हीं का राज चलता था। और ये क्या कर रहे थे कि चुन चुनकर गद्दी के जो वारिस थे उनको मरवा रहे थे, ताकि इस 14 साल के बच्चे को कोई भी थ्रेटन ना कर सके, कोई भी चैलेंज ना कर सके कि मैं असली राजा बनूंगा या इस बच्चे को हटाकर हम राजा बन जाएंगे। तो इसीलिए ये एक एक करके डायनेस्टी में जितने भी दूसरे प्रिंसेस थे, दूसरे जो राजकुमार थे, उनको मरवाया जा रहा था। और ऐसे ही एक प्रिंस थे परिवार में, प्रिंस गोदापानी, जो जॉयमती के पति थे। तो प्रिंस गोदापानी को राजा बनना तय था अगर ये नहीं होते तो, लेकिन इनकी जान को खतरा था तो ये भाग कर चले गए नगा हिल्स की तरफ। नगा हिल्स की तरफ ये चले गए और वहां पर छुप कर रहे कुछ समय तक, ताकि ये बोरफुकन के जो लोग हैं ये इन्हें मार ना दे। तो ऐसे में बोरफुकन ने क्या करा, इनकी वाइफ को किडनैप कर लिया, जॉयमती को किडनैप करके, और इनको टॉर्चर किया गया। इनसे लोकेशन पूछी गई अपने पति की। जॉयमती को कहा जाता है कि उसी जगह जेरंगा पोथार वाली जगह पर कई दिनों तक रखकर टॉर्चर किया गया, पेड़ से बांधा गया, और अल्टीमेटली उन्होंने अपने पति की लोकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। तो यही इस जगह की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो इन्होंने अपने पति के खातिर, अपने फ्यूचर किंग के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, और टॉर्चर के सामने भी इन्होंने लोकेशन नहीं बताई। इनके पति गोदापानी अल्टीमेटली लौट कर आते हैं और वो अगले राजा बन गए, जिनका नाम था सुपत्फा। नाम चेंज कर दिया था इन्होंने राजा बनने के बाद। और इनके शासनकाल में लगभग 15 साल इनका शासन चला था, उसमें असम में फिर से शांति और स्थिरता देखी गई अहोम किंगडम में। और इनके टाइम पीरियड में एक और इंपॉर्टेंट बैटल होती है, बैटल ऑफ इटाखुली। क्योंकि 1671 में तो सरायघाट बैटल में गुवाहाटी को बचा लिया गया था, लेकिन 1679 में गुवाहाटी फिर से मुगल्स के कंट्रोल में चला गया था। लेकिन 1682 में फिर से होती है बैटल ऑफ इटाखुली, और वो इन्हीं के रूल में हुई थी, सुपत्फा के रूल में। और इसमें फिर से मुगल आर्मी को अच्छे तरीके से हराया गया, और उसके बाद से मुगल्स ने अहोम की तरफ वापस पलटकर नहीं देखा। तो जॉयमती की जो कहानी है, जॉयमती कुमारी की जो कहानी है, ये असम के महिलाओं की स्ट्रेंथ और लॉयल्टी को दर्शाती है। एक ऐसी कहानी है, इनके करेज को, इनके रेजिस्टेंस को आज भी असम में घर घर में बताया जाता है। और इनकी कहानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं भी इतिहास में दर्ज नहीं करी गई। ऑफिशियल हिस्ट्री जो अहोम किंग्स की लिखी गई, उसमें ये कहानी जिक्र इसका है ही नहीं कहीं पर। लेकिन क्या है कि ये वर्बली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लोगों को सुनाई जाती है, और अल्टीमेटली 20th सेंचुरी में जाकर इसे फाइनली डॉक्यूमेंट किया गया। कुछ स्टोरीज लिखी गई प्रोमिनेंट राइटर्स के द्वारा, फिर इन पर एक फिल्म भी बनी। तो धीरे धीरे 20वीं सदी में ये अहोमिया नेशनलिज्म का एक सिंबल बन चुकी है और इनको आदर्श के रूप में देखा जाता है। अब इनकी कहानी मैंने आपको बताया कि 20वीं सदी में ज्यादा प्रोमिनेंट हुई, तो 1935 में एक बहुत ही हिस्टोरिकल फिल्म भी बनी थी इन पर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट असमीज फिल्म्स ऑफ दैट टाइम। एक फिल्म का नाम जॉयमती था, और ये इनका कैरेक्टर प्ले करने वाली जो एक्ट्रेस थी उनका यहां पर स्टिल या फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है इस हिस्ट्री की क्योंकि ये कहीं भी ऑफिशियल हिस्ट्री में दर्ज नहीं करी गई। उसके पीछे हिस्टोरियंस ये रीजन मानते हैं क्योंकि देखो, हिस्ट्री केवल राजाओं की दर्ज करी जाती थी, जो फीमेल डिसेंडेंट्स हैं या फिर जो वाइव्स हैं राजाओं की, उनको अक्सर हिस्ट्री में स्थान नहीं दिया जाता है। आप गिनती के कुछ नाम जानते होंगे कि इस राजा की वो वाइफ थी या उस सुल्तान की वो बेगम थी। जनरली केवल राजाओं का या सुल्तान का नाम आप पढ़ते हैं, वाइफ्स का नाम नहीं आता है। तो ऐसा ही यहां पर भी हुआ था, हिस्ट्री में महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया रिटन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, लेकिन लोगों की मेमोरी में, जो एक आम जनता की जो परसेप्शन होते हैं उसमें, इनको हमेशा याद रखा गया। जहां पर इन्होंने ये सैक्रिफाइस दिया था उस जगह पर कुछ नहीं था, पहले केवल जंगल था 200-300 सालों से। तो इसको जेरंगा हाबी कहा जाता था, यानी कि जंगल फॉरेस्ट, लेकिन बाद में अब इसको जेरंगा पथार कहने लग गए हैं क्योंकि अब ये एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। अक्सर यहाँ पर बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जैसे असम साहित्य परिषद की जो एनुअल मीटिंग थी वो भी कुछ समय पहले, 3-4 साल पहले यहाँ पर हुई थी। कोई बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है तो भी लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा जाए, क्योंकि ये एक वैसे ही खाली मैदान है तो यहाँ पर रैलीज वगैरह थोड़ी आराम से भी हो सकती है। तो ये जो मैदान है, इसके आसपास आज भी कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं अहोम डायनेस्टी के। सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से तलातल घर, जो वहाँ का अहोम डायनेस्टी का पैलेस है। और तलातल घर के अलावा यहाँ पर एक ओपन एम्फी थिएटर भी बना हुआ है। फिर कुछ आर्टिफिशियल लेक हैं जो कई अहोम राजाओं ने बनाए, जैसे कि नापुखुरी टैंक, पोहूगढ़ जो कि एक नेचुरल जू है, जॉय सागर टैंक जिसे अहोम राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंघा ने बनाया 1697 पर, और विष्णु डोल टेम्पल जो इसी नौपोखरी टैंक के किनारे पर स्थित है। तो ये सारे जो टैंक्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इन्हीं टैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ये पूरा एरिया एक काफ़ी हिस्टोरिकल एरिया है, और यहाँ पर है शिव सागर टाउन।
तो ये थी इस जगह की इंपॉर्टेंस। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।